लाइन से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे जो नेटिव प्लेस है उसमें कबड्डी और रेसलिंग का बहुत चाव होता है बच्चों में, वही ज़्यादातर खेला जाता है। लेकिन मेरा ये गेम बिल्कुल डिफरेंट था। मेरे पिताजी को नॉलेज नहीं थी कि एक्चुअली हॉकी क्या होती है, उसमें ग्राउंड्स की फाइनेंशियली दिक्कतें आई, लेकिन मेरे फादर ने मेरा बहुत सपोर्ट किया और वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। और धीरे धीरे मैंने जूनियर्स, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम, वर्ल्ड कप, एशिया कप, तो जब मैंने देश के लिए खेला वो जर्सी पहनी, तो एक अलग ही फीलिंग है जब राष्ट्रगान होता है, जर्सी आपका फ्लैग आपकी चेस्ट पे होता है और वो जबरदस्त चीज़ होती है। जो मैंने बदलाव देखा पिछले 15 साल में 20 साल में, अभी प्लेयर्स में इंटरनेट, सोशल मीडिया के थ्रू, कोचिंग के थ्रू, कोच डेवलपमेंट, हॉकी इंडिया जो कोर्सेज चला रहे हैं उसमें है ना, अभी प्लेयर को नॉलेज है कि हमें कितना प्रैक्टिस करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, तो इसके प्लेयर अभी फ़ायदा उठा रहे हैं। साथ ही साथ में कुछ मेरे दोस्त हैं, सोमेश चिकारा हैं और नरेश चिकारा, जो कि स्पोर्ट्स में मेरा साथ देते हैं, हमने एक ट्रस्ट बनाया हुआ है, हम सभी उसमें पैसे इकट्ठा करते हैं और हम गेम्स करवाते हैं, और जो गरीब बच्चे आते हैं मेरे गांव में दूसरे स्पोर्ट्स से, उनकी हम हेल्प करते हैं, क्योंकि ये मेरा लव है, एक मज़ा आता है एक्चुअली इसमें अपना योगदान देने में। ऑनलाइन क्लासेस चली हैं, लेकिन सबसे ड्रॉबैक ये है कि हमें फील्ड चाहिए, क्योंकि हमें प्रोवाइड नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ कोरोना। ये स्पोर्ट्स है ना, बहुत कुछ चीज़ें सिखाता है आपको, फ्रेंडशिप, हारते हैं उसको कैसे एक्सेप्ट करना है, ऑफ द फील्ड हमें कैसे रहना है जी टीम बन के। तो ऐसा नहीं कि बस स्पोर्ट्स से हमें ये कि इंडिया खेलना है, वर्ल्ड चैम्पियन, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। Extending a big shout out to Mr. Bharat Chikara for going the distance in helping India become a sport playing nation. Apollo ने बहुत अच्छा initiative लिया है और साथ ही साथ धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस award से सम्मानित किया।